तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में पावर बीआई में हम आपको रिलेशनशिप के बारे में बताने जा रहे हैं। तो मेरे पास एक डेटा है जो आपके सामने दिख रहा है, जिसमें यूनिक है हमारा सेल्स आईडी, ठीक है। दूसरा डेटा हमारे पास टेबल का, जिसमें थोड़ा छोटा ही है, इसमें ट्रांसपोर्ट है और इसमें एसआईडी है। अब मुझे यहाँ पे ये शो करना है अब मेरे इस टेबल में कि इस प्रोडक्ट को डिलीवरी किस ट्रांसपोर्ट ने किया है, राइट, ठीक है, किस ट्रांसपोर्ट ने किया है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ हम एक नया कॉलम ऐड करते हैं। इसके लिए हम जो है, जैसे आपको यहाँ पे डेटा शो करना है तो हमारे पास लुकअप वैल्यू नाम का एक फॉर्मूला होता है, तो रिलेशनशिप की जरूरी नहीं है, समझे। मैं यहाँ पे फॉर्मूला है एक लुकअप वैल्यू का लगाएंगे। अब बताए किस पे किस कॉलम का, मैंने रिजल्ट कॉलम क्या चाहिए, तो हमने बोला कि टेबल वन का नेम ऑफ व्हीकल, ठीक है। और सर्च कॉलम किस में सर्च करना है, तो सेम हमने बोला कि टेबल व्हीकल का एसआईडी, और क्या है इसमें सर्च वैल्यू क्या है, तो सर्च वैल्यू में हमने बोल दिया एसआईडी, मतलब कि सेल्स की एसआईडी। अब यहाँ पे एंटर मारेंगे, हाँ दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे जहां जहां हमारा एसआईडी मैच किया है, वहां देखिए इसने ट्रांसपोर्ट नेम दे दिया। तो इसने रिलेशनशिप नहीं किया, इसने वी लुकअप की तरह इस्तेमाल किया। अगर मैं, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और मुझे यहाँ हमने क्या किया, यहाँ से हमने यहाँ से नेम ऑफ व्हीकल को यहाँ पर रख दिया। अब मुझे नेम ऑफ व्हीकल में देखना है कि कितनी क्वांटिटी ले गया है, कितनी क्वांटिटी उसने ट्रांसपोर्ट किया है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ से क्वांटिटी नहीं ना उठा सकता, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो है नहीं। अगर मान लीजिए मैंने क्वांटिटी उठा के और यहाँ पे मैंने डाल भी दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि इसने दोनों के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर दिया ऑटोमेटिकली। यहाँ अगर हम इसको देखें, ऑटोमेटिकली से रिलेशनशिप एसआईडी और एसआईडी से, क्योंकि कॉमन दोनों का फील्ड नेम कॉमन था, इसलिए इसने कर लिया। और मान लीजिए कि अगर कॉमन नेम नहीं होता, नेम अलग होता, तो कैसे करते रिलेशनशिप, मैं इसको मान लीजिए रिलेशनशिप को डिलीट कर देता, डिलीट हो गया। तो आपको क्या करना है कि बस जिसको करना है उसको क्लिक कीजिए और उसको उठाते हुए उस फील्ड के ऊपर ड्रॉप कर दीजिए, रिलेशनशिप हो गया। अब क्या हुआ, रिलेशनशिप होने से क्या हुआ कि अब मुझे इसका कुछ निकालना है, तो मुझे यहाँ लुकअप वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है, समझ गए जी। अगर मैं इस रिलेशनशिप को डबल क्लिक करता हूँ, तो एक मिनट, हाँ, तो ये रिलेशनशिप है क्या है पता है, ये है वंस एंड बोथ। रिलेशनशिप के कई प्रकार होते हैं, अब इस समझ जाइए, ये वन यहाँ पे जैसे कि हमने कर दिया वन टू मैनी, ठीक है ना। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाटा अशोक महिंद्रा आ रहा है, ऊपर पूरा आ रहा है, तो आपने रिपोर्ट में देखा कि वहां पे जो मैच नहीं कर रहा था उसका भी टोटल ऊपर में दिखा दिया है, दिखा दिया ना, समझी नहीं सर। अब मैं इसको सिंगल, एक मिनट, अभी आप यहाँ डेटा रिपोर्ट में देखिए, इसने दिखाया हुआ है ना, बट इसका टोटल यहाँ ऊपर दिख रहा है, जो ब्लैंक है उसका भी। ऐसा आने के पीछे रीजन ये है कि जो ब्लैंक है उसको भी उसने शो कर दिया, समझ गए। तो इन रिलेशनशिप में हम अगर इस पे डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ हम चेंज करते हैं वन टू वन, है ना, कोऑर्डिनेशन आपका वन टू वन है, यहाँ पे क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल कर देता हूँ, नहीं
भी सर ब्लैंक ले लिया हुआ। इसमें होता है आपका वन टू वन, मतलब जो मैच दोनों में मैच करेगा वही शो करेगा, लेकिन क्रॉस फिल्टर क्या शो कर रहा है समझ नहीं आ रहा है, बोथ आ रहा है, फिल्टर डायरेक्शन बोथ है। क्या आता है मैन्यू टू वन, मतलब कि जो उसमें ज्यादा मिलेगा और एक हो जाएगा यहाँ पे, या वन टू वन या मैन्यू टू मैन दोनों होता है। अच्छा ये तो यूनिक वैल्यू नहीं होती, उस पर अप्लाई होता है, मोस्टली हम वन टू वन ही लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने लुकअप वैल्यू इस्तेमाल किया, अभी यहाँ पे एक टेबल और बनाता हूँ जिसमें मैं लुकअप वैल्यू का इस्तेमाल करता हूँ। हेलो सॉरी, तो ये मतलब कि अब रिलेशनशिप समझ में आया आपको, और फिल्टर वैल्यू। अब देखिए इसमें अगर हम अपना टेबल लेते हैं, यहाँ पे मैं एक टेबल लेता हूँ, और इसमें मैं अगर अपना जो ट्रांसपोज वाला है वो रखता हूँ, और फिर यहाँ पे हम क्वांटिटी को रखते हैं, तो दोनों यहाँ पे सेम काम कर रहा है, देख ना। तो इसमें आपको लगाना होगा फिल्टर, इसमें फिल्टर का इस्तेमाल करना होगा, इसमें ब्लैंक जो है ब्लैंक, हाँ ब्लैंक को चेक कर देंगे, तो ब्लैंक जो है ऑप्शन, तो हम हमेशा वन टू वन ही यूज करेंगे जी, वन टू वन आपने वन टू वन, हाँ वन टू वन रिलेशनशिप भी यूज करते हैं ना, रिलेशनशिप के बारे में पूरा मैं समझाऊंगा, ठीक है, वन टू वन रिलेशनशिप के बारे में पूरा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप रिलेशनशिप का मोटिव समझ में आया ना आपको? जी सर, कनेक्ट करना है दोनों लेवल के बीच में कनेक्ट करना। हालांकि इस चीज को हम फिल्टर वैल्यू से भी कर सकते हैं, जैसे वी लुकअप होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे अभी तो बिटवीन टू टेबल्स, बट ऐसा हो सकता है कि बिटवीन फाइव टेबल्स, बिटवीन टेन टेबल्स, ऐसे भी हो सकते हैं ना, तो वहां पे आपको लुकअप वैल्यू तो वर्क नहीं करेगा ना, तो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं अपना रिलेशनशिप को। ठीक है, तो आप लुकअप वैल्यू और इसका क्या बोलते हैं रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं कल बाकी को फोन कर देता हूँ, तो कल से जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर।